हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। गाइज, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड द फर्स्ट पार्ट। For which value a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? क्या बोल रहा है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। x y का तो ठीक है, a और b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना, a का भी और b का भी। तो अब हम कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी है हमें? कंडीशन दे दी है कि क्या है कंडीशन? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है। a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 होती है, ओके? तो हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 एंड c1 कितना हो जाएगा? -7, ओके? अगर -7 नहीं तो सिर्फ 7 भी देख सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a2 हो जाएगा हमारे पास क्या? a-b, b2 हमारे पास हो जाएगा a+b और c2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3a+b-2। क्लियर है? a1, a2, b1, b2, c1, c2 तो मिल गया हमें। अब हमें पता है कि ये काहे का कंडीशन है? ये है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन है तो हमें ये वाला कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 आपस में इक्वल, ओके? कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। तो चलो हम इसे पुट डाउन करते हैं। a1 क्या हमारे पास? 2 है, 2 अपॉन a2 क्या हमारे पास? a-b। B1 क्या हमारे पास? B1 is 3 and B2 is what? A+B. Okay, C1 क्या है? 7 और C2 क्या है? 3A+B-2. हम क्या करते थे? हमेशा कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते थे। This compare with this, this compare with this. वो भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे कांस्टेंट आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी वेरिएबल्स है, ए भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं आप, ओके? तो जैसे सपोज मैं पहले इन दोनों को करूँ, अगर इन दोनों को अगर मैं पहले करूं तो चलो करके देखते हैं। 2a-b equals to 3 upon a+b। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 into a+b equals to 3 into a-b। तो ये कितना हो गया? 2a+2b equals to 3a-3b। कितना हो जाएगा? अगर मैं a वाला टर्म इधर लेके चले जाऊं, चेंज कर दूं, ए वाले एक साथ बी वाले एक साथ, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? ए इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मेरे को? 5b मिल जाएगा, ओके? ये एक रिलेशन हो गया मेरे पास क्या? ए इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को? 5b मिल गया। अब सेकंड में किसको कंपेयर करूं? अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो क्या मिलेगा मेरे को? 3 upon a+b इक्वल्स टू 7 upon 3a+b-2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 into 3a+b-2 equals to 7 into a+b, ओके? ओपन अप कर लेंगे, 3 3 जा 9a minus 3b, 2 3 जा 6, और ये कितना हो जाएगा? 7a+7b, ओके? अब शिफ्टिंग कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं हम इसे इधर उधर, a वाले टर्म को a वाले तरफ, -7a हो जाएगा, ठीक है? +7a है तो इस तरफ आके -7 हो गया, +3b -7b -6 = 0, ओके? तो वापस से इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a-4b-6 = 0। तो 2a-4b = 6b लिख सकती हूँ मैं इसे। अब हमें क्या पता है a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5b है हमारे पास a की वैल्यू, ओके? तो 5b है हमारे पास a की वैल्यू, तो हम क्या करें? a की वैल्यू पुट कर दे 5b। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, हम a की वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं, ओके? ए की वैल्यू 5b हम पुट कर देते हैं किसमें? इस इक्वेशन में। इक्वेशन 1 ले लो, कोई भी इक्वेशन रख लो। 2 into 5b - 4b = 6। 2 5 जा 10b - 4b = 6। 10b - 4b कितना हो जाएगा हमारे पास? 6b हो जाएगा, ओके? ये डिवाइड मत समझिएगा। 6b = 6, b = 6 upon 6, दैट मीन 6 1 जा 6 1 जा, तो b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? b की वैल्यू मेरे को मिल गई 1। अब b मिल गया है मेरे को 1, तो हम इस इक्वेशन में वापस से रख सकते हैं। a equals to 5b हमें पता था, तो b अब हमें 1 मिल गया, तो 5 into 1 equals to कितना हो गया? 5। तो हमें a की वैल्यू भी कितनी मिल गई? a की वैल्यू हमें मिल गई 5। दैट्स द आंसर। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें इसमें, क्लियर?
Let's now take the second part of question number 2. It is very easy. पता है दिखने में थोड़ा सा tough लगता है, लेकिन काफी easy जाता है ये question. देखते हैं क्या बोल रहा है. For which value of k, मतलब हमें क्या find out करना है, value of k find out करना है. Okay. Will the following pair of linear equation have no solution? अब हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ no solution की condition क्या पता होना चाहिए. A1 by A2 equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. ये होता है नो सॉल्यूशन का कंडीशन, जो कि क्या होता है, पैरेलल लाइंस का होता है. क्लियर. जब हमें पता है कि ये कंडीशन है, तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, इक्वेशन वन से ए वन ए टू और इक्वेशन टू से ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू निकालना पड़ेगा. ओके okay, तो अगर मैं ए वन लिखूं, तो ए वन हमारे पास कितना है, थ्री. ए टू कितना हमारे पास, टू के माइनस वन. ए वन ए टू क्या है, नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. क्लियर. बी वन कितना है, वन. एंड बी टू हमारे पास कितना है, के माइनस वन. वैसे ही C1 हमारे पास कितना है, 1, एंड C2 हमारे पास कितना है, 2k plus 1. ओके, तो ये मिल गया हमें. अब A1 by A2, तो 3 upon 2k minus 1 equals to 1 upon k minus 1 is not equals to 1 upon 2k plus 1. अब हमें अगर k की वैल्यू चाहिए, अगर मैं बोल रही हूँ आपको k की वैल्यू निकालो, तो जो इक्वल होगा उसी से हम रेशियो कंपेयर कर पाएंगे, है ना. जो नॉट इक्वल है उससे तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको रखेंगे नहीं. हम क्या करेंगे, इन दोनों से इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, के का वैल्यू फाइंड करेंगे. चलो सॉल्व कर लें. अब 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 के माइनस 1 हो गया. ओपन अप कर लें, 3 के माइनस 3 इक्वल्स टू 2 के माइनस 2. अब 2 के को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 3 के माइनस 2 के, और ये कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 3 हो गया. 3k माइनस 2k कितना हो जाएगा, k, और प्लस 3 में से माइनस 1 कर दिया, तो हमने कितना मिल गया, हमें 2. तो हमें k की वैल्यू मिल कितनी गई, k की वैल्यू 2 मिल गई, जो कि हमें फाइंड आउट करना था. और ये नॉट इक्वल है, इसलिए ना हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ना ही इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. इतना क्लियर है अब आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड. हमें क्या क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मैथड से भी करना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से भी करना है. कुछ नहीं, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है, लेकिन हमने दोनों मैथड पढ़ा है, तो हम दोनों मैथड से सॉल्व करते हैं. ओके, तो पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है. सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करते थे, पहले किसी एक इक्वेशन को हम किसी एक वेरिएबल के फॉर्म पे कन्वर्ट करते थे, ठीक है. तो हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ओके, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, अगर मैं लिखूं 3x equals to 4 minus 2y, किसी को डाउट नहीं है, ये 2y को मैंने क्या कर दिया, 4 के इधर शिफ्ट कर दिया. ओके, अब अगर मैं लिखूं कि x equals to 4 minus 2y upon 3, ओके, इसको हम क्या दे दिए, इक्वेशन नंबर 3 दे दिए. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 तो आ गया हमारे पास, अब हम x के फॉर्म में आ गया, x की वैल्यू है, x की वैल्यू को हम किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में. तो हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 minus 2y upon 3 इन इक्वेशन 1. ओके, तो चलिए पुट करते हैं जल्दी से. 8 इंटू 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9. क्लियर. तो अभी कितना हो जाएगा, 8 4 जा कितना आता है, 32 माइनस 8 6 8 2 जा 16y अपॉन 3 है. 3 इसमें भी LCM लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15y. तो ये अपॉन में कंप्लीटली 3 आ गया इक्वल्स टू 9. इतना क्लियर है सबको, ठीक है. अब क्या करें, 32 माइनस 16y प्लस 15y कितना हो जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू 9 इंटू 3. 9 इंटू 3 क्यों, ये 3 अपॉन में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में था, तो ये कितना हो गया, 27. ये कितना हो गया, 32 माइनस y. सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 32 माइनस 27. 27 को माइनस कर दें अगर हम 32 से, तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5. अब हम क्या करें, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3. थर्ड में पुट करेंगे तभी हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी. तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 3. कितना हो गया, 4 माइनस 10 अपॉन 3. कितना हो गया, माइनस 6 अपॉन 3, दैट इज 3 वन एंड 3 टू जा. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, माइनस 2. तो हमें अब क्या करना है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से,
एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, फाइव. अब हमें कौन सा मेथड सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमें उससे भी आंसर यही मिलेगा, यही मिलना चाहिए तभी आपका. अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें y कितना मिल गया 5 और x कितना मिल गया माइनस टू. हमने किससे किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तो पहले क्या कर लें, a1 a2 लिख लें. a1 कितना मेरे पास 8, a2 कितना है 3, ओके. b1 कितना है 5 और b2 कितना आएगा मेरे पास 2. वैसे ही c1 कितना आएगा माइनस 9 और c2 कितना आएगा माइनस 4. क्लियर है? तो अब हमें लिखना आना चाहिए था, लिखते हैं x, y and 1. ठीक है, कहां से स्टार्ट होता है, b से स्टार्ट होता है, b1, b2, c1, c2, a1, a2 and again what, b1, b2. तो कैसे लिखेंगे हम इसे, x upon 5 4s are 20, that is minus 20, minus of minus minus plus, 9 2s are 18, okay, equals to y upon this, 9 3s are 18, लेकिन माइनस साइन, ओके सॉरी 9 3s are 27, आई एम रियली सॉरी, 9 3s are 27 विच इज बिकम माइनस एंड माइनस 4 × 8 माइनस माइनस प्लस एंड 4 8s are 32. क्लियर? नाउ व्हाट, 1 अपॉन 8 2s are 16 माइनस 3 5s are 15. तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 2 equals to y upon, कितना बच जाएगा ये, plus 5 बचेगा, equals to 1 upon 1. तो x upon minus 2 equals to 1 upon 1 करेंगे, वही करेंगे, compare with the constant term, okay? तो क्या आएगा, x equals to आ गया minus 2, okay? अब y वाले term को अगर मैं compare करूँ, तो y upon 5 equals to 1 upon 1, तो y भी मेरे को कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा. सेम आंसर आ गया हमारा, जैसे हमारा substitution के लिए आंसर आया था, वही हमारा किसके लिए आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए भी आ गया. ओके, तो यहीं पे खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.